रुख करते हैं जालौर का, तो इस जिले को रेलवे सुविधाओं में विस्तार की दरकार है। हालांकि सांसद देवजी पटेल के प्रयासों से यहां से कुछ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है, लेकिन जयपुर दिल्ली सहित कई शहर ऐसे हैं जहां के लिए जालौर से ट्रेन चलाने की जरूरत है। जालौर रेलवे के विस्तार को लेकर पूरी तरह पिछड़ा है। जरूर जालौर को एक बड़ी सौगात के रूप में एक पैसेंजर ट्रेन भगत की कोठी से साबरमती तक मिली है, लेकिन अभी भी जालौर को ट्रेन के विस्तार को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। जालौर के लोग रेलवे सुविधाओं में विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। जालौर से जयपुर, दिल्ली, जम्मू, पंजाब, लखनऊ, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन नहीं है, जबकि जालौर के काफी लोग इन शहरों में व्यापार करते हैं, जिन्हें रेलवे की सीधी कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जिले का प्रमुख शहर सांचौर तो रेल से कनेक्ट ही नहीं है। यहाँ रेलवे लाइन को लेकर कई बार सर्वे हो चुके हैं, मगर नतीजा सिफर ही रहा। लिहाजा जालौर रूट पर ज्यादातर मालगाड़ियाँ चल रही, तो कई जगह रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज नहीं होने से आए दिन जाम भी लग जाता है। आज बहुत खुशी की बात है, ये ट्रेन जो शुरू हुई है, धन्यवाद है इसके लिए सम्मान्य प्रधानमंत्री महोदय पीयूष गोयल जी को। अहमदाबाद जाने के लिए जो तकलीफ होती थी, जो हॉस्पिटल के लिए गरीबों को जो समस्या उत्पन्न होती थी, उन समस्याओं का आज ये समाधान हो गया और आज से ये ट्रेन जो शुरू हुई है। हालांकि अब सांसद देवजी पटेल के प्रयासों से यहां से 8 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है, जिसमें भगत की कोठी से साबरमती अहमदाबाद ट्रेन सप्ताह में 5 बार चलती है, बीकानेर दादर मुंबई पैसेंजर ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलती है, जोधपुर से गांधीधाम अहमदाबाद पैसेंजर ट्रेन सप्ताह में 3 बार चलती है, भगत की कोठी जोधपुर से बांद्रा मुंबई पैसेंजर ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलती है, यशवंतपुर से बाड़मेर पैसेंजर ट्रेन सप्ताह में 1 बार चलती है। भगत की कोठी से अहमदाबाद पैसेंजर ट्रेन भी सप्ताह में 1 बार चलती है, तो जोधपुर से पालनपुर और जोधपुर से भिलडी डेमू ट्रेन भी रोज चलती है। बहरहाल लोगों को उम्मीद है कि सांसद देवजी पटेल यहां रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे के विस्तार को लेकर हमेशा जालौर को बड़ी आस रही, लेकिन इस बार जरूर सांसद देवजी पटेल के प्रयास रंग लाए और एक पैसेंजर ट्रेन के रूप में भगत की कोठी से साबरमती तक पैसेंजर ट्रेन की बड़ी सौगात मिली। अब उम्मीद है सांसद देवजी पटेल केंद्र में रेलवे के मुद्दे उठाएंगे, जिससे जालौर को और अन्य पैसेंजर ट्रेनों की भी बड़ी सौगात मिल सके, जिससे प्रवासी ट्रेन के रूप में रेलवे के जरिए जालौर से सीधे कनेक्ट हो सके और आवागमन सुगम हो सके। कैमरामैन दलपत के साथ लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालौर, राजस्थान।